तो दोस्तों आपको एक बहुत ख़तरनाक न्यूज़ दे रहा हूँ। मैं बहुत ख़तरनाक ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके गया हूँ, है ना। इमोशन माँ के या भावनाओं में बहकर बहुत बड़ी गलती यहाँ पर मैंने की है। देखते रहिएगा, आपको खबर मिल जाएगी, है नहीं कि मैं जिंदा हूँ नहीं हूँ, मैं कहीं कोमा में तो नहीं चला गया इतनी बड़ी गलती के बाद। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल सभी के। आई होप बढ़िया होंगे भाई, मौज होंगे और अच्छे से ट्रेड किया होगा निफ्टी का एक्सपायरी आप लोगों ने। और वैसे तो आज है वेंसडे आज, और वेंसडे के दिन जो एक्सपायरी होती है सबको पता है बैंक निफ्टी। तो आज देखते हैं क्या करता है बैंक निफ्टी, कैसे रहता है, कैसे अपन ट्रेड करते हैं, क्या हमारी कमाई दमाई होती है। जैसे कल अपना 417 बना था, फिर अपना 2 ट्रेड बैक टू बैक एसएल गए धन में, जिसमें अराउंड 60,000 का अपने लॉस था। कोई बड़ी बात नहीं, वो आज का आज इजीली कवर अप हो जाएगा अगर मार्केट सही रहेगा तो, मार्केट कंडीशन फेवरेबल रहेगा तो आज इजीली कवर अप हो जाएगा। तो देखते हैं कैसा रहता है। फिलहाल तो जिम जा रहा हूँ, जिम में आज वर्कआउट करते हैं कुछ, क्योंकि आज हो गया हमारा वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे को मैंने जाना है फिर से गाँव की तरफ। बहुत बड़ी मतलब पूजा है वहाँ पर, एक बड़ा सा मतलब पूरे गाँव का वो है भंडारा, वो मेरे नाम वाला है, कुछ पापा ने करवाया है, वहाँ जाना है। तो मैं फ्राइडे को निकल जाऊँगा, तो फ्राइडे को भी मैं शायद ट्रेड नहीं करूँगा। तो आज और कल ही मेरे पास 2 दिन है मार्केट में ट्रेड वेड करके कुछ करने के, सो लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। जिम वगैरह अपना हो गया, अभी मार्केट ओपन होने वाला है थोड़ी देर में, तो आपको मार्केट की अपडेट देता हूँ। जैसे आप देखोगे, ये देखो यहाँ पर मार्केट अभी देखोगे 250.7-43 ऐसा कुछ ओपनिंग दिखा रहा है। बैंक निफ्टी भी ठीक है, तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग है, मार्केट बुलिश है, तो आजकल यही चल रहा है मार्केट के अंदर। ओके, तो देखते हैं आज क्या हो पाता है, अपन से क्या कर पाते हैं अपन आज। कल धन पर आई थिंक 63,000 के आसपास का मेरा लॉस था, तो अपन आज कुछ करेंगे आज, मतलब देखते हैं क्या है कैसा है, लेट्स सी। गाइस सुबह की शुरुआत बहुत ही बेकार हुई, बहुत बेकार। मेरी इतनी अच्छी एंट्री बनी हुई थी, देखो पिन पॉइंट एंट्री बनाया हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री बनी थी, और ये ट्रेड कहाँ चला गया। 200 मेरी एंट्री थी, 500 के आसपास चल रहा है, और मैं इससे किसके चक्कर में इसको ट्रेड को मुझे काटना पड़ा, सिर्फ निफ्टी के चक्कर में। ये नहीं होता, मेरा पैसा भी 500,000 रुपये चल रहा होता है प्रॉफिट, 5 नहीं 1.5 नहीं 2 कुछ तो प्रॉफिट ही होता भाई, लेकिन ये इसको काटने के चक्कर में इसकी वजह से, है नहीं सिर्फ निफ्टी के इस रेंज की वजह से मेरे को बैंक निफ्टी का कॉन्फिडेंस लूज हुआ, मैंने ट्रेड को कट कर दिया, है ना। वही तो मैंने ट्रेड धन पर भी सेम ट्रेड लिया था, आप देखोगे तो कितना है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा इस ट्रेड को। बहुत मुश्किल है यार भाई ऐसे मार्केट में तो ट्रेड करवाना, दोनों इंडेक्स अलग चल रहे हैं, यानी सुबह सुबह दिमाग खराब किया इन मोमेंट ने सुबह सुबह। राइट गाइस, दिन भर सर दिमाग में सर दर्द कर गया अपना, सर भयंकर फटा हुआ है। एक तो पता नहीं क्या इतनी गर्मी पड़ रही है अंदर, बाहर रूम के अंदर एसी भी काम ही नहीं आ रहा है, इधर तो बहुत ही मुश्किल हो गया भाई। ऊपर से इन्वर्टर कभी कुछ करता है, कभी इंटरनेट कुछ करता है, तो बहुत बहुत दिमाग खराब है, यानी। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ जो है कॉफ़ी वाफ़ी पीने, सर दर्द कम करना, बहुत तेज़ सर दर्द हो, पता नहीं क्यों ही दर्द हो रहा है ना। तो अभी अपना एक सीरीज था वो आज अपना ख़त्म हुआ है, तो आई थिंक मुझे 1-2 दिन मेरे को जैसे अभी इस फ्राइडे को और सैटरडे संडे गाँव जाना है पूजा वगैरह, तो कुछ दिन अपन प्लान कर देंगे, एक ब्रेक लूँ मैं, है ना। इतने दिनों से मैं लगातार ट्रेड कर रहा हूँ तो दिमाग मेरा फटे जा रहा है। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे फॉर्चून IITC वाला जो है यहाँ पर रेस्टोरेंट, उसकी छत पर IITC होटल है, और यहाँ से आपको देख रहे हो उस साइड में पूरा धुआं धुआं धुंध जैसी मौसम, तो उस साइड में हो रहा है बारिश का, लेकिन बारिश है धुआं है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जंगल इतने आग लगी हुई है इधर भी देखो ये, और वो नीचे देखो रही मेरी गाड़ी जो पार्किंग में लग रही है ये, कम ऑन ठोक दे भाई इसको तू, क्या मस्त जूम है इस कैमरे का ये। वेल गाइस, मैं आ चुका हूँ अभी अपना कॉफ़ी वगैरह पी के, मैंने आपको वहाँ का नज़ारा दिखाया, बहुत खतरनाक ठंडी हवा चलती थी, बारिश की एक्सपेक्टेशन थी पर बारिश आई नहीं, तो अभी अपन क्या करें बताऊँ। तो अभी मैं आया था, थोड़ा सा मैंने ड्राइव किया, नाइट ड्राइव पर मैं गया था, मेरा सर में दर्द हो रहा था बहुत भयंकर तरीके से, स्क्रीन इतने दिनों से लगातार देख रहा हूँ दिन में 6-6 घंटा, तो थोड़ा सर में पता नहीं चढ़ने लग गया। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा ड्राइव करके आया, मज़ा नहीं आया फिर भी ड्राइव में, और कॉफ़ी में मज़ा आया था, और थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा में मज़ा आया था। तो अभी मैं जाता हूँ घर को और करते हैं अपने रात का कुछ काम। तो दोस्तों आपको एक बहुत ख़तरनाक न्यूज़ दे रहा हूँ, मैं बहुत
खतरनाक ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके गया हूँ, है ना। इस साल की सबसे बड़ी इस साल की 2024 के दो महीने हुए हैं अप्रैल के बाद, मई अप्रैल मई तीसरा महीने चल रहा है, और इस साल की मैंने सबसे बड़ी गलती कर रखी है। अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो सकता है मेरे साथ, ये तुम्हें मेरी स्टोरीज या उसमें कुछ समय पता चल जाएगा या तुम्हें नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैं जो देख रहा हूँ, मैं अपने लिए जो मैंने कुआं खोदा हुआ है ना, बढ़िया गड्ढा खोद रखा है, उसकी गहराई नाप रहा हूँ मैं कि उसकी गहराई क्या है या तो गड्ढा कितना खतरनाक खोदा हुआ है मेरे लिए। तो उस गड्ढे की गहराई नापने के लिए मैं क्या देख रहा हूँ पता है? अब उस गड्ढे की गहराई नापने के लिए मैं देख रहा हूँ ये आपका SGX निफ्टी, ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ अब क्या क्या चल रहा है, क्योंकि पोजीशन ऐसी कह दी गई की गई है कि अब पता नहीं क्यों ही कह दी कर दी, क्या ही बैठ गया मैं ऐसे पोजीशन लेके, समझ नहीं आ रहा। तो मैंने अपनी लास्ट दो मंथ का जो प्रॉफिट है मेरा, अगर ये आगे ट्रेड अंगेज में गया तो लास्ट दो महीने का प्रॉफिट मेरा चला जाएगा। तो अभी देखते हैं यहाँ पर जैसे गिफ्ट निफ्टी है नहीं, तो बहुत बढ़िया आपको एक भूचाल वाली वीडियो देखने को मिलेगी मेरे यूट्यूब पर। देखते हैं जैसे अभी अगर मेरे को SGX निफ्टी में देख रहा हूँ गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा ऊपर को बढ़ रहा है, यहाँ कहीं ऊपर आके कल क्लोज कर जाता है तो मेरे को निफ्टी फिफ्टी बहुत अच्छा ओपन होता हुआ देख सकता है। अगर निफ्टी फिफ्टी ऊपर नहीं खुला तो समझ लेना मेरे घोड़े खुल गए, और बहुत बड़े वाले घोड़े कल खुल जाएंगे। ये है निफ्टी फिफ्टी, लास्ट आवर में जिस तरीके से सेलिंग आई है उस हिसाब से अगर यहाँ कहीं भी खुल गया ना, यहाँ कहीं खुल गया तो लग जाएंगे, है नहीं। तो वैसे तो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है, कुछ उम्मीद रखी जा सकती है कि कल अच्छा खुले, लेकिन मेरी मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है ना, इमोशन में आके या भावनाओं में बह कर बहुत बड़ी गलती यहाँ पर मैंने की है। तो देखते हैं अब क्या होता है, कैसा होता है, क्या रहता है, मेरी स्टोरीज मेरे वो देखते रहिएगा, आपको खबर मिल जाएगी, है नहीं, कि मैं जिंदा हूँ नहीं हूँ, मैं कहीं कोमा में तो नहीं चला गया इतनी बड़ी गलती के बाद।